हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। आज मैं बात करूंगी आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह बाधा है, कोई ग्रह दोष है जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रिलेटेड विद मनी, रिलेटेड विद ग्रोथ, रिलेटेड विद एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इशू। ठीक है, रिलेशनशिप इशू है, रिश्तों में मधुरता नहीं है, आपके मनी ब्लॉकेजेस आ गए हैं, या किसी भी तरीके से आपकी ग्रोथ रुक सी गई है लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिखते हैं अपनी लाइफ में, आपको एक मैं बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी बता रही हूँ। आपको अपने घर में, अपने मंदिर में कांच से बने हुए शिवलिंग या फिर स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करना है। स्थापित इन द सेंस आप रखिए, प्लेट के अंदर रखिए और डेली उस पर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, जल अर्पित कीजिए, विद इंटेंशन कीजिए कि भोलेनाथ मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरी सभी दोष मुक्त कीजिए जो मेरे रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अपनी इंटेंशन रखकर उनकी पूजा आराधना स्टार्ट कीजिए। 108 मस्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है वो आपको पता है, आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं जानती। तो मेरा काम है गाइडेंस देना, मैंने ये आपको टिप बताया, ये उपाय बताया, आप इसे फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटने लगेंगे, प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी और लाइफ में ग्रोथ सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे हर तरीके से, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके रिश्तों में कोई भी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है अच्छे से, उन सबको दूर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।